हेलो दोस्तों, मैथ्स से डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इनफाइनाइट सीरीज में फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में जो हमने टेस्ट पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। ये हमने 7 प्रॉब्लम्स नोट कर रखी हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। नया टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट इफ समेशन यू एन इज इफ समेशन यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n tending to infinity n into log u n upon u n plus 1 equal to l, then the series converges for l greater than 1 and diverges फॉर एल लेस देन 1। तो लॉगरिथमिक टेस्ट है, इफ समेशन यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे एल लिमिट के इक्वल आएगी। जब लिमिट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी, अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो हमारी डाइवर्ज हो जाएगी। प्रॉब्लम देखते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। गिवन सीरीज है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सोन अप टू 4 एक्स ग्रेटर देन 0। इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म वी हैव एन टर्म हो जाएगी यू एन इक्वल टू एन टू द पावर एन इंटू एक्स टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। हमने फर्स्ट टर्म को इग्नोर किया तो हमारे पास एन टर्म ये मिल जाएगी। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन का होल पावर एन इंटू एक्स इक्वल टू ई इंटू एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास ई होती है इंटू एक्स, तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू लिमिट यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन की वैल्यू ई एक्स के इक्वल आ गई। बाय रेशियो टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर e इंटू एक्स लेस देन 1 और x लेस देन 1 अपॉन e के लिए सीरीज कन्वर्ज हो जाएगी एंड डाइवर्जेस फॉर x ग्रेटर देन 1 अपॉन e। गिवन सीरीज की लिमिट हमें e इंटू एक्स मिली है तो बाय रेशियो टेस्ट सीरीज हमारी कन्वर्ज कब होगी, जब ई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इट मीन्स x की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन e हो जाएगी। एंड डाइवर्ज कब होगी, जब एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन ई हो जाएगा। फॉर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई के लिए हम चेक करते हैं, ग्रेटर के लिए तो हमें मिल गया लेस देन के लिए 1 अपॉन ई, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन ई होगी तो कन्वर्ज हो जाएगी और अगर एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन ई होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। अब हम एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई के लिए चेक करते हैं सीरीज क्या होगी। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 होल पावर एन इक्वल इंटू ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक टेस्ट यूज कर लेते हैं, एन इंटू लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू 1 माइनस एन इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन इक्वल टू
हमने यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट में ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, एन कॉमा ले लेंगे, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यहाँ पर लॉगरिथमिक यूज करेंगे तो लॉग ई की वैल्यू वन हो जाएगी, माइनस ऑफ इसे हमने यू एन प्लस वन माइनस में आ जाएगा, एन यहाँ से वैल्यू रखेंगे लॉग एम टू दबा एन फॉर्मूला लगाएंगे तो एन लॉग एम हो जाएगा। तो यहाँ से एन कॉमन लेके लॉग माइनस की वैल्यू लेंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे, एन से डिवाइड करने के बाद वन प्लस वन अपॉन एन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू रखे लॉग से वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू वन माइनस एन वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर थ्री एन क्यूब वन अप टू, हमने यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे तो वन अपॉन टू विच इज लेस देन वन, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास वन अपॉन टू वैल्यू आएगी विच इज लेस देन वन। देयरफॉर बाय लॉगरिथमिक टेस्ट है दिस सीरीज डाइवर्सेस, बाय लॉगरिथमिक टेस्ट अगर लिमिट की वैल्यू लेस देन वन होगी तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, हेंस दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एक्स लेस देन वन अपॉन ई एंड डाइवर्जेस फॉर, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ई। एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन ई के लिए तो डाइवर्जेंट थी, बट हमने एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई के लिए भी चेक कर लिया, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट आ रही है, तो हेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर एक्स लेस देन वन अपॉन ई एंड डाइवर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन ई। नेक्स्ट है सीरीज विथ आर्बिट्ररी टर्म्स, सीरीज विद आर्बिट्रेरी टर्म्स, इसमें फर्स्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज देखते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, अ सीरीज whose terms are alternatively positive and negative, किसी सीरीज को हम अल्टरनेटिव सीरीज का कहेंगे, अ सीरीज हुज टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन द सीरीज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। फॉर एग्जाम्पल वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर सो वन अप टू, ये हमारी अल्टरनेटिव सीरीज है क्योंकि इसमें टर्म हमारे क्या अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड फिर पॉजिटिव, फिर फोर्थ वन हमारी निगेटिव है, तो ये हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी, सीरीज हमारी इस फॉर्म में होगी तो सीरीज हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी, इस कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, तो हमारी ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगी। नेक्स्ट है लेबनीज टेस्ट है इफ द अल्टरनेटिंग सीरीज If the alternating series u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus on up to un which is greater than 0 for all n is such that first un plus 1 less than equal to un for all n and second limit n tending to infinity u n equal to 0, then this series converges.
लेबनिस टेस्ट है इफ द अल्टरनेटिव सीरीज, हमें गिवन अल्टरनेटिव सीरीज होगी इस फॉर्म में, इज सच दैट फर्स्ट है इफ यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू यू एन, अगर यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू यू एन, एंड सेकेंड कंडीशन अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस हो जाएगी, इट मीन्स वो सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट दिस सीरीज वन अपॉन 1 टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर p माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर p कन्वर्जेस फॉर p ग्रेटर देन 0। गिवन सीरीज है, हमें दिखाना है सीरीज कन्वर्ज कर रही है फॉर p ग्रेटर देन 0। हेयर यू एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू यू एन फॉर ऑल n, यहां पर हमें बिल्ली यू एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू यू एन है, एंड हमें चेक करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दैट टर्म वन अपॉन एन टू द पावर पी इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू यू एन एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हैंस बाय लीबनिस टेस्ट, हैंस बाय लीबनिस टेस्ट the alternating series, the alternating series summation minus 1 to the power n minus 1 upon n to the power p converges। तो हमने लीबनिस टेस्ट देख लिया, गिवन सीरीज जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज थी वो हमारी कन्वर्ज कर रही है बाय लीबनिस टेस्ट, यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू यू एन ये भी सेटिस्फाई हो रही है और लिमिट यू एन की वैल्यू भी जीरो के इक्वल आ रही है, तो गिवन सीरीज हमारी जो अल्टरनेटिव सीरीज है वो कन्वर्जेस हो जाएगी। सीरीज विद आर्बिट्री टर्म्स में हमने फर्स्ट पढ़ा हमने अल्टरनेटिंग सीरीज, इसमें सेकेंड है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। A series summation un is said to be absolutely convergent, absolutely convergent if this series summation un obtained on taking every term of the given series with a positive sign is convergent, that is if the series summation modulus of un is convergent। तो हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज क्या होगी, अ सीरीज समेशन यू एन इज सेट टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ दिस सीरीज समेशन यू एन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज विद अ पॉजिटिव साइन इज कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज होगी उसमें नेगेटिव टर्म भी होंगी, उसको हम पॉजिटिव टर्म में चेंज करने के बाद जो सीरीज हमें मिलेगी अगर वो सीरीज भी हमारी कन्वर्जेंट होगी तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम मॉडुलस यू एन मॉडुलस निकालने पर सीरीज का मॉडुलस निकालने पर अगर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट आ जाएगी तो गिवन सीरीज हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस अ सीरीज विच इज कन्वर्जेंट, a series which is convergent but is not absolutely
बट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कॉल्ड अ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज. अ सीरीज विच इज कन्वर्जेंट बट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. कोई सीरीज जो हमारी कन्वर्जेंट होगी बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी. इट मीन्स उसके पॉजिटिव टर्म सीरीज के बाद जो हमने रिप्लेस करने के बाद, इट मीन्स समेशन यू एन, समेशन और मॉडुलस यू एन हमारा अगर कन्वर्जेंट नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे. इट मीन्स समेशन मॉडुलस यू एन हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं आएगा तो वो हमारी कंडीशनल कन्वर्जेंस हो जाएगा. इट मीन्स अ सीरीज इज कन्वर्जेंट बट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कॉल्ड अ कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस सीरीज 1-1/2 to the power 3 + 1/3 to the power 3 - 1/4 to the power 3 सोन अप टू, ये हमारे पास गिवन सीरीज है. इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बिकॉज दिस सीरीज वन प्लस वन अपॉन टू टू पावर थ्री प्लस वन अपॉन फोर टू पावर थ्री सोन अप टू ऑप्टेन ऑन टेकिंग एवरी टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विद अ पॉजिटिव साइन. हमने गिवन सीरीज के सारे टर्म को हमने पॉजिटिव साइन में ले लिए तो हमारी क्या हो रही, कन्वर्जेंट होगी. तो इट मीन्स हमारी जो गिवन सीरीज हो जाएगी वो हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी. बिकॉज हमारे पास जो सीरीज हमने ये बिकॉज द सीरीज गिवन सीरीज ये थी, इसको हमने चेंज किया बाय ऑप्टेनिंग ऑन टेकिंग एवरी टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विद अ पॉजिटिव साइन इज कन्वर्जेंट. ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल है. गिवन सीरीज 1-1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/2 इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिट्ज़ टेस्ट. दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिट्ज़ टेस्ट बट दिस सीरीज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऑब्टेन ऑन टेकिंग एवरी टर्म विद अ पॉजिटिव साइन इज डाइवर्जेंट. तो हमने सारे टर्म्स को पॉजिटिव ले ली तो वो सीरीज जो बनी ये वो हमारी डाइवर्जेंट आ रही है तो द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी. सीरीज को हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज में चेंज करने के बाद जो सीरीज मिली वो हमारी डाइवर्जेंट और तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी. तो हमने अभी एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है कंडीशनल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखी और कुछ एग्जाम्पल्स देखे. थ्योरम है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. सीरीज हमारी अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी. नोट है द डाइवर्जेंस ऑफ समेशन मॉडुलस यू एन डज नॉट इम्प्लाई द डाइवर्जेंस ऑफ समेशन यू एन. अगर समेशन ऑफ मॉडुलस यू एन हमारे पास डाइवर्जेंस तो यही जरूरी नहीं है वो इम्प्लाई करे कि डाइवर्जेंस ऑफ समेशन यू एन, इट मीन समेशन यू एन भी डाइवर्जेंस हो. फॉर एग्जाम्पल यू एन इक्वल टू -1 to the power n - 1/n. अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल लिया था जो वहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है बट समेशन मॉडुलस यू एन हमारे पास डाइवर्जेंट आ रही है तो ये जरूरी इम्प्लाई नहीं करता कि समेशन यू एन भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही हो. सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा था समेशन यू एन हमारे पास कन्वर्जेंट आ रहा है बट समेशन मॉडुलस ऑफ यू एन हमारे पास डाइवर्जेंट
डाइवर्जेंट आ रहा था और ये हमारे पास समेशन यू एन कन्वर्जेंट आ रही थी. तो द डाइवर्जेंस ऑफ समेशन मॉडुलस यू एन डज नॉट इम्प्लाई द डाइवर्जेंस ऑफ समेशन यू एन. एग्जाम्पल देखते हैं. सो दैट फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स द सीरीज गिवन सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट. हमें दिखाना है फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है. लेट यू एन इक्वल टू साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर सो दैट मॉडुलस ऑफ यू एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. नाउ समेशन मॉडुलस ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर फॉर ऑल एन समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंस. ये हमारी कन्वर्जेंट होती है. हैंस बाय कंपेरिजन टेस्ट वी नो दैट कंपेरिजन टेस्ट हमने पढ़ा है. बाय कंपेरिजन टेस्ट दिस रीज समेशन मॉडुलस ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंस. अगर मॉडुलस कन्वर्जेंस हो रहा है तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी. सिंस एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी तो एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट. सिंस एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट देयरफॉर समेशन साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा. तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. सो दैट दिस सीरीज x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अप टू कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. प्रत्येक वैल्यू की x के लिए गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी. लेट यू एन इक्वल टू एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल. हमारी एन अटैम्प क्या है एक्स टू पावर एन अपॉन एन फैक्टर हो जाएगी. नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ यू एन अपॉन मॉडुलस ऑफ यू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन मॉडुलस एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट वेन एक्स इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास एक इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा. सो बाय रेशियो टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट पॉसिबली जीरो. बट फॉर एक्स इक्वल टू जीरो but for x equal to 0 this series evidently converges absolutely. limit n tending to infinity u n equal to 0 for a convergence series. since फॉर अ कन्वर्जेंस सीरीज मीन हो दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो. एनी टाइम अगर हमारी जीरो होगी तो वो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंस सीरीज के लिए कंडीशन होती है. तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू जीरो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू बार एन अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो. तो ये एनी टाइम में भी हमारी जीरो के इक्वल आ रही तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो गिवन सीरीज इविडेंटली कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. हैंस दिस सीरीज कन्वर्जेस हैंस this series converges absolutely for all values of x. प्रत्येक वैल्यू के x के लिए हमारी सीरीज क्या हो जाएगी absolutely convergent हो जाएगी. ये कुछ प्रॉब्लम्स है इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें चेक करना है सीरीज कन्वर्जेंट है करके और फर्स्ट ये absolutely convergence के लिए चेक करना है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट वन कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए चेक करना फर्स्ट एंड सेकेंड. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद.